हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेशन। आज है 10 जनवरी 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 10 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है फॉरेन एनवोज इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन फैक्ट फाइंडिंग विजिट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू और कश्मीर में एक फॉरेन डेलीगेशन भेजा गया, जो कि 15 मेंबर का फॉरेन डेलीगेशन होगा, जिसकी 2 दिन की विजिट कराई गई जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में 370 आर्टिकल जो रिपील किया गया, उसके बाद ये सेकेंड फॉरेन विजिट मानी जा रही है। पहली विजिट यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन जितने भी थे ईयू के, यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने विजिट किया, और दूसरा विजिट फॉरेन डेलीगेशन का, अपनी ही कंट्री के फॉरेन डिप्लोमेट्स का, 15 मेंबर का ये डेलीगेशन जम्मू कश्मीर 2 दिन के लिए गया हुआ है। अब इन्होंने 100 करीब लोगों से मुलाकात की वैली में, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी टॉप न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं और ग्रास रूट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मुलाकात करके ये स्थिति को समझने के लिए कार्रवाई की गई है, और ये लोगों की भावना समझने के लिए कार्रवाई की गई है, सो दैट ये देखा जा सके कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, और स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर से, उसके बारे में लोगों का क्या रिएक्शन है। तो यहाँ पर इस डेलीगेशन में यूएस के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं कीनेत आई जस्टर, वो भी हैं, और नॉर्वे के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं, उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया है इस डेलीगेशन में। अब इसके बाद लोगों के द्वारा कुछ रिस्पॉन्सेज दिए गए, या एक तरह से कुछ डिमांड रेज की गई, और वो डिमांड्स क्या हैं। वो डिमांड है, पहला तो जम्मू और कश्मीर को स्टेट का जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर किया जाए, दूसरा वहाँ के लोगों का जो डोमिसाइल के लॉ हैं वो लाए जाएँ, सो दैट जो लोकल लोग हैं उनकी जो लोकल लैंड है उसको सेफगार्ड किया जा सके, और लोकल लोगों को जॉब की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए, और जॉब वहाँ के लोगों के लिए एक तरह से रिजर्व रहनी चाहिए। तो लोकल लोग अपने लैंड को लेकर सेफगार्ड करने की मांग कर रहे हैं, और जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया वो उन लोगों के लिए बहुत एक बड़ा, उनकी जॉब और उनके लैंड के लिए खतरा हो सकता है, ऐसी जो है डिमांड उन जो ग्रास रूट के लोग हैं उनके द्वारा रेस की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर या पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर इस यूटी के बने हैं वो हैं जीसी मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जम्मू और कश्मीर के मामले में आज वर्डिक्ट देने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट लीगैलिटी ऑफ 370 आर्टिकल रिवोकेशन का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और किस तरह से सरकार के द्वारा जो फंडामेंटल फ्रीडम लोगों के मूवमेंट की उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, और जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सुविधा जो बंद की गई, पूरा शटडाउन किया गया, उसकी लीगैलिटी के केस का वर्डिक्ट आज आने की उम्मीद की जा रही है। सेकेंड न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट रिवर्व प्ली टू इम्प्लीमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारी पिटीशन फाइल हुई हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। कुछ पिटीशन, इसमें ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ जो पिटीशन है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जाने को लेकर है, और कुछ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में CAA के सपोर्ट में भी फाइल की गई हैं। तो यहाँ पर इस केस की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबडे के द्वारा ऐसा बोला गया है कि कंट्री इज़ गोइंग टू ए टफ टाइम, डिफ़िकल्ट टाइम, और इसको पीसफुल्ली मैनेज किया जाना चाहिए। किसी भी वायलेंस को क्रिटिसाइज़ किया गया है, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का किस तरह से एग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, उसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, तो इस बात को एक पीसफुली सुलझाया जाना चाहिए। अब ये जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 22 जनवरी से शुरू करनी है, जो करीब 60 के करीब पिटीशन फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को ये बोला गया है कि जो CAA है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए। तो इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से पूरा मुद्दा आगे बढ़कर चलेगा वो सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। अभी CAA के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। CAA प्रोविज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया, ये एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और इसके थ्रू 3 कंट्रीज से आने वाली 6 माइनॉरिटी रिलीजन के लोगों को सिटीजनशिप देने की प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया गया है। 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 कंट्रीज़ के 6 माइनॉरिटी के प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी के जो सिटीजन्स होंगे, इनको नॉर्मली 11 साल में
सिटीजनशिप दी जाती है और इसको फास्ट ट्रैक करके 5 साल में ही इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी की बात की गई है तो धर्म के आधार पर एक क्लास क्रिएट की गई है, इस बात को लेकर भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का काफ़ी विरोध देखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंटर विड्रॉज CRPF कवर फॉर स्टालिन एंड OPS तमिलनाडु के डेप्टी चीफ मिनिस्टर है ओ पनीर सेलम और DMK के जो प्रेसिडेंट है MK स्टालिन, इनसे जो CRPF की सिक्योरिटी दी गई थी इन लोगों को, वो विड्रॉ किया गया है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? होम मिनिस्ट्री के द्वारा, बिकॉज CRPF होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। अब यहाँ पर दो तरह की सिक्योरिटी थी, एक थी जेड प्लस सिक्योरिटी, दूसरी थी वाई प्लस सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी और वाई सिक्योरिटी, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी में करीब CRPF के 20 से 22 जवान दिए जाते हैं किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को टू प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर, और वाई कैटेगरी में 10 से 12 CRPF के जवान एक पर्सनल, एक रिप्रेजेंटेटिव को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए दिए जाते हैं। अब ये सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। जेड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड हाईएस्ट सिक्योरिटी है, सेकेंड हाईएस्ट सिक्योरिटी है। तो फर्स्ट हाईएस्ट सिक्योरिटी कौन सी है? SPG कवर जो है वो इंडिया की सबसे टॉप लेवल की सिक्योरिटी है, जो प्राइम मिनिस्टर्स लेवल पे दी जाती है। सेकेंड नंबर पे है जेड सिक्योरिटी जो स्टेट लेवल पर अभी तमिलनाडु में दी गई थी, उसको वापस ले लिया गया है। SPG भी अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनसे SPG वापस ली गई थी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। अब वही बयान देते हुए जेड और वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी CRPF की भी वापस ली गई है होम मिनिस्ट्री के ही द्वारा। तो ये सारी जो सिक्योरिटी है होम मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है, बिकॉज CRPF होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही काम करता है। अब यहाँ पर CRPF की बात की गई है तो CRPF कब बना था? CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इंडिया का सबसे बड़ा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। इंडिया में कुछ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं जिसमें CRPF है, BSF है, SSB है या फिर ITBP है, उसमें से CRPF सबसे बड़ी आर्म्ड पुलिस फोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है और इसका जो प्राइमरी रोल है, मेन रोल है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पुलिस के ऑपरेशंस को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और अगर नक्सलाइट कहीं पर अटैक हुआ है या किसी तरह की कोई इंसर्जेंसी हुई है तो उस इंसर्जेंसी को टैकल करना। इसको बनाया गया था 1939 में, अंग्रेजों के टाइम में ही 1939 में ये बनी थी एज ए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, और आज़ादी के बाद 1949 में CRPF एक्ट पास करवा के इसको CRPF बनाया गया और CRPF नाम दिया गया। निर्भया केस के 2 एक्यूज ने अभी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की है। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि 22 जनवरी को निर्भया केस के जो 4 कन्विक्ट है उनको हैंग किया जाएगा, और उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई है 2 एक्यूज के द्वारा। अब यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया है, ये देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने डिसीजन में क्यूरेटिव पिटीशन को जो फंडा है, जो कंसेप्ट है, वो इवॉल्व किया था, और ये बहुत ही रेयर पिटीशन है, बहुत ही रेयर रेमेडी और रेयर केस में ही यूज़ की जाती है। अब ये जो केस है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर रूपा अशोक हुरा केस 2002 का केस है जो जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर क्यूरेटिव पिटीशन का कंसेप्ट इवॉल्व किया था। तो ये केस इंपॉर्टेंट हो गया, रूपा अशोक हुरा केस 2002 का केस है। अब इसमें 2 कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन सुनी जा सकती है और उसको यूज़ किया जा सकता है। पहला केस ऐसा है कि अगर कोर्ट में अच्छे से सुनवाई नहीं की हो या एक्यूज को अच्छे से नहीं सुना गया हो, पहले का केस ये हो गया। दूसरा केस है अगर जो जज है सुनवाई करने वाला वो बायस हो, उसने बायस डिसीजन दिया हो, या तो कोर्ट ने सुनवाई अच्छे से नहीं की हो या जो जज था डिसीजन देने वाला वो बायस हो। अगर ऐसे 2 केसेस होते हैं, ऐसी कंडीशन बनती हैं, तभी क्यूरेटिव पिटीशन का यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो निर्भया केस में ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिलती, तो होपफुली केस के द्वारा ये कोर्ट के द्वारा भी ये खारिज कर दी जाएगी और 22 जनवरी को 4 कन्विक्ट को जल्दी से जल्द हैंग किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है यूपी के बारे में। यूपी ने एक लिस्ट को टॉप किया है, और ये लिस्ट कौन सी है? ये लिस्ट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। जितने भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के खिलाफ जितने क्राइम होते हैं ऑल ओवर द कंट्री, उसमें से सबसे ज़्यादा क्राइम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो स्टेट के लिस्ट में यूपी नंबर 1 आया है। अब इसमें यूपी नंबर 1 है तो बाकी
टू और थ्री, सेकेंड थर्ड प्लेस पे कौन है? पहला हो गया यूपी, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है वेस्ट बंगाल। ये जो रिपोर्ट आई है जिसके थ्रू ये डेटा सामने आया है, ये रिपोर्ट है एनसीआरबी की, यानी नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की, जो 2018 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के नाम से पब्लिश की गई है। इसमें 5 स्टेट्स ने अपने डेटा नहीं दिए हैं। ये स्टेट कौन कौन से हैं? ये स्टेट है वेस्ट बंगाल असम अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। इन 5 स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, और उसके बाद बाकी स्टेट्स का डेटा लेकर ये रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट न्यूज़ है, फाइंड आउट वेदर ऑटोमेटेड प्लांट्स कैन एड्रेस पॉल्यूशन। यहाँ पर एनजीटी की तरफ से एक डिसीजन दिया गया है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक डिसीजन पास किया है, और ये ऑर्डर दिया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB को कि एक स्टडी की जाए, 4 महीने में उसकी रिपोर्ट प्रेजेंट की जाए एनजीटी के सामने। और स्टडी में क्या किया जाना है? स्टडी में कुछ ऑटोमेटेड प्लांट्स की स्टडी की जानी है जो टायर को रिसाइकिल करने का काम करती है। टायर को रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू के कारण काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ता है, और उसी कंसर्न को एड्रेस करते हुए एनजीटी ने ये स्टडी करने के लिए CPCB को बोला है। अब टायर की बर्निंग और रिसाइकलिंग की प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। ये प्रोसेस जो होती है इसको पायरोलिसिस बोलते हैं। पायरोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू रिसाइकलिंग की जाती है टायर की, उसमें काफ़ी सारे थर्मोकेमिकल ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, और इसमें इंडस्ट्रियल ऑयल और बाकी इसके जो सब्सिडरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकलते हैं, तो उससे एनवायरमेंट पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर पूरे जो कंसेप्ट, इस पूरे चीज़ को स्टडी करना है एनजीटी के द्वारा, और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की मदद से ये स्टडी की जाएगी। एनजीटी ने ऐसा बोला था कि करीब 678 यूनिट्स हैं ऐसी इंडिया में, उसमें से 270 ही एनवायरमेंटल लॉ को पास करती हैं, और बाकी जो हैं एनवायरमेंटल लॉ को पास नहीं करती हैं, बाकी की यूनिट इसी तरह से चल रही हैं और पॉल्यूशन लेवल उनके कारण काफ़ी बढ़ रहा है। तो ऐसे यूनिट्स को बंद किया जाना चाहिए, इस बात को लेकर पिटीशन फाइल की गई थी सेफ एनजीओ के द्वारा। सेफ का फुल फॉर्म है सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। तो इस एनजीओ के द्वारा ऐसे यूनिट्स को बैन करने की बात की गई थी, ऐसे यूनिट को बंद करने की बात की गई थी, और जो ये प्रोसेस है इम्पोर्टेड टाइगर्स को रिसाइकिल करने की, उस प्रोसेस को बंद करने की बात की गई है। एनजीटी में ये केस चल रहा है, और एनजीटी ने डायरेक्ट किया है CPCB को कि ये पूरी स्टडी की जाए 4 महीने में, और उसके बाद आगे का फैसला दिया जाएगा। यहाँ पर क्राइम रिपोर्ट के बारे में ही बात की गई है। पहला तो यूपी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यूपी नंबर 1 है, और अगर मेट्रो सिटी की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं, कॉग्निजिबल क्राइम दिल्ली में सबसे ज़्यादा होते हैं, ऐसी रिपोर्ट आई है। इस NCRB के रिपोर्ट के हिसाब से ये आंकड़े आए हैं। तो NCRB ने जो रिलीज़ की है रिपोर्ट, उसका नाम है क्राइम इन इंडिया 2018, और ऐसा देखा गया है कि 2017 के मुकाबले 2018 में जो क्राइम रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है। 19 सिटीज़ में दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ है, सेकंड पे चेन्नई है और तीसरे पे है सूरत। तो अगर हम सिटीज़ की बात करें तो पहला नंबर हो गया दिल्ली का, दूसरा चेन्नई का, और तीसरा सूरत सिटीज़ में। यहाँ पर एक पेंटिंग बनाई गई है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम की, और यहाँ पर एज ए मूरल ये पेंटिंग बनाई गई है, मूरल पेंटिंग दिल्ली में कॉलेज की वॉल पे। तो यहाँ मूरल पेंटिंग के बारे में देख लेते हैं। मूरल पेंटिंग होती क्या है? मूरल पेंटिंग एक आर्ट वर्क है जो पेंट किया जाता है परमानेंट स्ट्रक्चर्स पे, जैसे कि किसी बिल्डिंग की कोई वॉल हो गई या फिर सीलिंग हो गई या कोई भी परमानेंट सरफेस हो गई। एंशियंट टाइम में ऐसी मूरल्स बहुत ज़्यादा गुफाओं में बनाई जाती थी, और उसके बाद टेंपल के जो भी मंदिर बनाए जाते थे द्रविड़ियन आर्किटेक्चर में हो या अपने नॉर्थ इंडिया के जो भी टेंपल्स होंगे उनमें भी काफ़ी मूरल्स बने हैं, और काफ़ी कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मूरल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मूरल एज ए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिक्लेयर गोवा सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व एक्टिविस्ट।
काफ़ी एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट ने ऐसी डिमांड की है कि गोवा में जो भी टाइगर सेंचुरीज हैं उनको टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए। तो ऐसा क्यों डिमांड आ रहा है? बिकॉज पिछले कुछ समय में टाइगर्स की काफ़ी डेथ देखने को मिली है गोवा में। अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि गोवा में 4 टाइगर्स की डेड बॉडी मिली महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो इस बात को उठाते हुए जो अभी एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने ऐसी डिमांड की है। अब यहाँ पर 3 सेंचुरी हैं, पहली है महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी है नेत्रावली सेंचुरी और तीसरी है कोटी गांव सेंचुरी। तो ये 3 सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, तीनों सेंचुरी गोवा में है, महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली सेंचुरी और कोटी गांव सेंचुरी। इन तीनों सेंचुरी का एरिया करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर है और इस पूरे एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाना चाहिए, ऐसा प्रपोजल है गोवा के स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2017 में भेज दिया था और उस पर अभी सेंट्रल की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि टाइगर रिजर्व में टाइगर की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड की जा सकती है, जो सेंचुरी में सिक्योरिटी का लेवल नहीं है। सेंचुरी में उस लेवल की सिक्योरिटी नहीं होती जितना कि टाइगर रिजर्व में प्रोवाइड की जाती है, इसलिए टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है और टाइगर को स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट सेंचुरी के नाम पूछे जा सकते हैं, महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चूँकि न्यूज़ में है इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर से सेम लिस्ट के बारे में, एनसीआरबी के लिस्ट के बारे में ही बात की गई है। यूपी टॉप्स लिस्ट इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन अनसेफ स्पेसेस, और इसमें काफ़ी डेटा हमने देख लिया है। यहाँ पर सुसाइड के बारे में दे रखा है, 2018 में सुसाइड जितने भी हुए उसमें सबसे ज़्यादा जो सुसाइड किए गए थे वो किए गए थे डेली वेज अर्नर्स के द्वारा। टोटल सुसाइड में करीब 22% सुसाइड केवल डेली वेज अर्नर के द्वारा किए गए थे। सेकंड नंबर पे हाउसवाइफ के द्वारा किए गए थे जिनका आंकड़ा है 17%। तो डेली वेज अर्नर सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाली कैटेगरी है जो 2018 में जिनकी ये जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा रही। पैनल अप्रूव्स स्कीम टू ट्रेड इन फॉरेस्ट, रिसेंटली एक पैनल फॉरेस्ट रिलेटेड है जिसका नाम है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी। ये एपेक्स बॉडी है फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट और एडजुडिकेशन होते हैं इंडस्ट्री और फॉरेस्ट से रिलेटेड उनको डील करने के लिए फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी। अभी इस कमिटी ने फॉरेस्ट को एज ए कम्युनिटी ट्रेड किया जा सकता है ऐसी एक स्कीम शुरू की है और इस स्कीम का नाम है ग्रीन क्रेडिट स्कीम। अब ये स्कीम क्या है, इसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है स्टेट के वो किसी गवर्नमेंट की कंपनी को छोड़ के यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी को या फिर विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटी को हायर करके गवर्नमेंट लैंड में फॉरेस्टेशन करवा सकते हैं, प्लांटेशन करवा सकते हैं। अभी करंट की कंडीशन क्या थी, अभी करंट सिस्टम में हमारे जब भी किसी प्राइवेट कंपनी को कोई लैंड एक्वायर करना होता है अपने प्रोजेक्ट के लिए तो उसके आसपास का उतना ही लैंड उसको एक्वायर करके गवर्नमेंट को सौंपना होता है और गवर्नमेंट को पैसे भी देने होते हैं जितना कि उसके एक्वायर किए जाने वाले लैंड पे फॉरेस्ट है, इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो दो जो टास्क हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किए जाते हैं, पहले तो लैंड खरीद के गवर्नमेंट को देना और दूसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट NPV के बराबर का जो मनी है वो गवर्नमेंट के देना, सो दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस फील्ड पे फॉरेस्टेशन और प्लांटेशन कर सके। अभी ये जो प्रोसेस चल रही है, अभी दिक्कत ये आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि लैंड एक्वायर करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। इस प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा करीब 50,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए, लेकिन इन फंड का जहां पर यूज़ करना था वहां पर प्रॉपरली यूज़ नहीं किया गया, ये अभी भी अनस्पेंट पड़े हुए थे। तो इसके कारण ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया बीच में और उसके बाद गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट्स को कुछ फंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी जो फॉरेस्ट हैं उनमें बहुत अच्छा ग्रोथ रेट नहीं देखा गया। तो इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को टैकल करने के लिए फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी ने ग्रीन क्रेडिट स्कीम चालू की है।
तो अगर अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी भी लैंड पर अफॉरेस्टेशन नहीं कर पाता था, तो अब वो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम किसी प्राइवेट इंडस्ट्री को या प्राइवेट प्लेयर को आउटसोर्स कर सकता है, या किसी विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटी को आउटसोर्स किया जा सकता है ये जॉब, सो दैट वहाँ पर प्लांटेशन किया जाए और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाए। तो फॉरेस्ट को ट्रेड किया जा सकता है, इस तरह का प्रोविज़न सामने आया है ग्रीन क्रेडिट स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नॉन वायलेंस इज द आंसर, यहाँ पर एक यात्रा की जा रही है, गांधी शांति यात्रा ओपोजिशन के द्वारा, और जिसको लीड कर रहे हैं फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। और ये यात्रा क्यों की जा रही है, ये यात्रा की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था उसके अगेंस्ट, एनआरसी के अगेंस्ट, और जेएनयू में अभी हिंसा जो हुई है उस चीज़ को लेकर गांधी शांति यात्रा, सो दैट जो भी चैलेंजेस है उसको पीसफुल्ली सॉल्व किया जाए, वॉयलेंस नहीं किया जाना चाहिए। अब जेएनयू मैटर को लेके एक और न्यूज़ है, 250 इंटरनेशनल एकेडमिशियंस ने डिमांड किया है कि जेएनयू के वाइस चांसलर को इमीडिएटली रेजिग्नेशन देना चाहिए। अब ऐसा डिमांड क्यों आई है, बिकॉज जेएनयू में जो अभी हिंसा हुई है उसमें जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था उसका बिहेवियर और उसका जो काम ऑब्लिगेशन था वो बहुत ही बुरा था, और उसने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी तरीके से फॉलो नहीं की गई उसके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लापरवाही बरती गई, क्योंकि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भीड़, आर्म्ड एक भीड़ कैंपस में घुसी है, पहले तो उनको अलाउ ही नहीं किया जाना चाहिए था, तो उनको अलाउ क्यों किया गया, और अगर अलाउ किया गया है तो ये डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल हैं, जो नॉर्म है, उसके अगेंस्ट है। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी में जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करना एक ऑब्लिगेशन है यूनिवर्सिटी पे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे और उसके वाइस चांसलर पे। और अगर कोई इस तरह से अटैक होता है यूनिवर्सिटी के अंदर तो पूरी जिम्मेदारी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और वाइस चांसलर की होती है, लेकिन इस अटैक के बाद ये नॉर्म पूरी तरीके से वायलेट हुआ है, एकेडमिक फ्रीडम को वायलेट किया है इस अटैक ने। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की एक और जिम्मेदारी है कि अगर स्टेट आर्बिट्रेरी तरीके से पावर का यूज़ करना चाहता है तो भी यहाँ पर कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स को बचाना, लेकिन ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, कोई ऑब्लिगेशन फॉलो नहीं की गई वहाँ के वाइस चांसलर के द्वारा, और स्टूडेंट और वहाँ के टीचर्स को हिंसा का सामना करना पड़ा। तो इसी कारण से वहाँ के वीसी को इमीडिएटली रिज़ाइन करना चाहिए। ऐसे अलग अलग देशों के करीब 250 इंटरनेशनल एकेडमिक्स ने ये बात बोली है। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे मेन न्यूज़ है, एमपी अप्रूव्स ब्रेक्सिट बिल, यूके सेट फॉर जनवरी 31 एग्जिट। ब्रेक्सिट का मुद्दा एक बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, और ये ब्रेक्सिट का जो मुद्दा है वो क्या है, ब्रेक्सिट का मीनिंग है ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक है यूरोपियन कंट्रीज़ का, जिसमें करीब अभी 28 मेंबर हैं, और इसमें ब्रिटेन का एग्ज़िट काफ़ी सालों से ये प्रोविज़न फाइनलाइज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी तक ये प्रोविज़न फाइनल नहीं हुए थे। अभी की गवर्नमेंट ने प्रोविज़न पे रजामंदी बना के एक बिल पास करवाया है हाउस ऑफ कॉमन्स में, इस बिल का नाम है विड्रॉल एग्रीमेंट बिल। विड्रॉल एग्रीमेंट बिल वो बिल है जिसके थ्रू ब्रेक्सिट किया जा रहा है, और ये ब्रेक्सिट की प्रोसेस तब कंप्लीट होगी जब इसको हाउस ऑफ लॉर्ड से पास कर दिया जाएगा। तो जिस तरह से इंडिया में लोकसभा है और उसके बाद राज्यसभा है, लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में जाता है बिल पास होने पे, उसके बाद ये माना जाता है कि पार्लियामेंट से पास हो गया, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होते हैं। तो लोकसभा की तरह वहाँ पर ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, और राज्यसभा की तरह है हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ कॉमन्स इलेक्टेड है और हाउस ऑफ लॉर्ड अनइलेक्टेड हाउस है। तो इसके द्वारा पास किए जाने के बाद ये ब्रेक्सिट पूरा किया जा सकता है, और अगर पास हो गया, फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गया ये बिल, तो जनवरी 31 को ब्रेक्सिट के लिए चुना गया है, और ब्रिटेन पहला ऐसा देश होगा जो ईयू छोड़ेगा अगर ऐसा हो जाता है तो। बिजनेस न्यूज़ पे पहली बिजनेस न्यूज़ है, 60 लिस्टेड फर्म्स डिस्क्लोज
75,000 करोड़ डिफॉल्ट। सेबी का एक नॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग हर एक क्वार्टर के एंड में कंपनीज़ को डिफॉल्ट की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और इसी नॉर्म को फॉलो करते हुए 31 दिसंबर में जो तीसरा क्वार्टर एंड हुआ है उसमें रिपोर्ट कंपनीज़ ने दी है, करीब 60 कंपनीज़ ने ये रिपोर्ट दी है कि 75,000 करोड़ का टोटल डिफॉल्ट किया गया है। तो इन कंपनीज़ का लमसम अमाउंट 75,000 करोड़ है, तो इसका जो लॉस है वो वहाँ के उन बैंकों को होगा और उन NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को होगा जिन्होंने इन कंपनीज़ को लोन दिया है। उसमें मेजर जो डिफॉल्ट है वो अनिल अंबानी ग्रुप का है, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस नेवल का, करीब 32,000 करोड़ और 9,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ से ज़्यादा तो केवल अनिल अंबानी ग्रुप का है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है सेबी, क्योंकि सेबी रेगुलेटर है सिक्योरिटी मार्केट का, इसीलिए सेबी ने ये एक नॉर्म बनाया है सो दैट जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बने रहे पूरे मार्केट में। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ मार्केट का रेगुलेटर है, इसको बनाया गया था 1988 में और इसको स्टेटूटरी पावर दी गई थी 1992 में। हेडक्वार्टर है यहाँ का, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करता है और मार्केट सिक्योरिटी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। यहाँ पर दूसरे न्यूज़ में NCLT के बारे में दिया गया है, यहाँ पर NCLT के बारे में देख लेते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एक कुसाई जुडिशियल बॉडी है जो कंपनी से रिलेटेड, इंडिया की कंपनी से रिलेटेड केसों को एडजुडिकेट करती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2013 के एक्ट के अंतर्गत और बनाया गया था 2016 में, और इसको बनाने के लिए रिकमेंडेशन आई थी जस्टिस जैन कमेटी की। तो जस्टिस जैन कमेटी ने इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए और कंपनी को वाइंड अप करने से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बनाए जाने की रिकमेंडेशन दी थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ये जो मुद्दों को देखती है, जिन टास्क को देखती है, वो प्रोसेस हैं, वो टास्क हैं एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन, जो भी कॉम्प्रोमाइजेज वगैरह होते हैं कंपनी के बीच, जो भी अरेंजमेंट या रिकंस्ट्रक्शन के प्लान अगर कंपनी में डालने हैं, और अगर वाइंड अप किया जाना ही एक ऑप्शन बचता है तो कंपनीज को वाइंड अप किस तरह से किया जाना है, तो ये सारी प्रोसेस जो भी है वो प्रोसेस NCLT के द्वारा सुपरवाइज की जाती है। तो ये था आज का न्यूज़ डिस्कशन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।